प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस प्रोग्राम के नाजिम नाजिम जलसा मोहतरम सीमा बनवर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ऐ खुदा, इब्तिदा है तेरे नाम से, तू जो कादिर है हर शय की तखलीक पर, तू के सबसे बड़ा और सबसे जुदा गाना फनकार है। चांद तारों की बंदिश सरे आसमां झिलमिलाती हुई कहकशां, अपनी अपनी रविश पर ये सैयार गां, कुर्रे अर्ज पर दूर तक रक्स करती हुई नदियों सब्जा जारों महकती हुई वादियों, बर्फ ओढ़े हुए कोहसारों की मंजर कशी, तेरी तखलीकियत की बहुत दिलरुबा और बेहद हसी एक तस्वीर है। ऐ खुदा, इब्तिदा है तेरे नाम से। अब्दुल जलील अंसारी की शख्सियत इस शहर की अदबी, सकाफती, तहजीबी और सियासी फिजाओं के लिए संगमेल की हैसियत रखती है। ज़िंदगी की भाग दौड़ के बीच हर लम्हा एतदाल पसंदी, हर कदम पर मियाना रवि का रवैया रवा रखा, अपनी हदूद में रहते हुए अपनी बेसात और सलाहियत भर जिंदगी की मुख्तलिफ मंजिलों की जानी इकामत और साबित कदमी के साथ बतदरीज पेशरफ्त को जारी रखा। सियासी, समाजी, अदबी, माशरती और तालीमी तकारीब में अपनी एक मुस्तहकम और मोतबर इलमी व अदबी शनाख्त के साथ सहाफ़ती आफाक पर जगमगाते रहे। अपनी खुदादाद तख्लीकी सलाहियतों, फितरी जहानतों, मुखलसाना काविशों और मुनफरद फिक्र अमल के साथ मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में भिवंडी के सुबह शाम को खूब निखारा और संवारा। उनकी फनकाराना सलाहियतों की खुशबू बिखरी तो डॉक्टर रेहान अंसारी, कुतुबुद्दीन शाहिद, खालिद अब्दुल कय्यूम अंसारी और निज़ामुद्दीन भी खूब महके। अपनी सरगरम फ़ालियत, बेपना तहरुक और मुसलसल तगोदव के नतीजे में अखबार की मकबूलियत और हरदिल अजीज़ी में बेपना इजाफ़ा हुआ। अजहान व कुलूब में मकबूलियत और महबूबियत का आलम यह है कि आज अब्दुल जलील अंसारी से जलीलुल कद्र हो गए हैं। तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। ये हैं हमारे अब्दुल जलील अंसारी साहब, जिनके एजाज़ में या जिनके खिदमात के एतराफ़ में आज की ये तकरीब बपा की गई है, जिसे बज़्म यारान अदब के रुफ़क़ाए कार ने सजाया और संवारा है। मैं इफ्तिताह के लिए, आज की इफ्तिताही कलमात के लिए, इस शहर के बहुत ही मारूफ एडवोकेट, सियासतदान, तालीमी शख्सियत अली जनाब एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, चेयरमैन रईस हाई स्कूल से दरख्वास्त करता हूं कि इजहार ख्याल के लिए तशरीफ़ लाएं। आज के इस प्रोग्राम के सदर विनोद मालदे जी, मेरे बड़े अजीज़ दोस्त फैज़ान आज़मी साहब, सावला जी, असरार कामरेड रफ़ी अंसारी साहब, मुफ्ती साहब, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक अखबार निकलता है बम्बई से, इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेज़ी का बड़ा अखबार, उसमें एक खबर शाये होती है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का रिवीजन होने वाला है और नया एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए आने वाला है। जिनके भी सजेशंस हो इस सिलसिले में एक्ट के ताल्लुक से, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताएं। इतने बड़े शहर में सिर्फ एक शख्स अब्दुल जलील अंसारी, वो मेरे पास आते हैं वो अखबार का तराशा लेकर के, वकील साहब इसमें अपने को सजेशंस भेजना है और जो भी ऑब्जेक्शंस देने हैं वो देना है। मेरे पास जो पुरानी
1910 का एक्ट है वो है ऑलरेडी, जो प्रपोजल था वो भी देखा। तो मैं और जलील भाई मिलकर बैठे और बैठकर सजेशंस और क्या होना चाहिए एक्ट में, ये लिखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। आप यकीन नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लफ्ज बलफ्ज हमारे उन्हीं अल्फाज को एक्ट में शामिल कर लिया, हमारे सजेशंस को। ये कारनामा इतने बड़े शहर में अगर किसी ने अंजाम दिया तो जलील भाई की शख्सियत। ये मामूली बात नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर नजर रखना। अब मैं एक दूसरा आपको तस्करा करूं, हुकूमत महाराष्ट्र का एक अदारा है MERC, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये सुमरिया जी बैठे हैं, मैं देखा अभी सुमरिया जी को। हाँ सुमरिया जी बैठे, चंदू भाई भी बैठे। हलारी पावरलूम एसोसिएशन का इस शहर पर एहसान है, एहसान मैं कहूंगा एहसान। पावरलूम सनत की बका के लिए और उसकी तरक्की के लिए बिजली के मसले को लेकर अगर किसी अंजुमन ने सबसे ज्यादा इस शहर में काम किया है तो वो हलारी पावरलूम एसोसिएशन। और एक बात बताऊं, मैंने इस बात का इजहार पिछले फैजान आजमी के जलसे में भी किया था कि इनकी जितनी मीटिंग्स होती थी उनकी सदारत फैजान आजमी करते थे। हलारी पावरलूम एसोसिएशन की जितनी भी मीटिंग्स हुई उसकी सदारत के लिए उन्होंने हमेशा फैजान को तकलीफ दी। तो MERC में भिवंडी से पावरलूम सनत की बका के लिए पहली पिटीशन अगर फाइल हुई, पहली पिटीशन, वो हलारी पावरलूम एसोसिएशन की तरफ से मैंने फाइल किया। 1.5 घंटा मैंने आर्ग्यूमेंट किया था MERC। ये चंदू भाई बैठे हैं, सुमरिया जी बैठे हैं, ये सब गवाह हैं। उसके बाद एक और पिटीशन हमने फाइल की। इस तरह की MERC में 2 पिटीशन भिवंडी से फाइल हुई और वो दोनों पिटीशन के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो अब्दुल जलील अंसारी का था। इसलिए कि हलारी पावरलूम एसोसिएशन के शाने बशाने अगर कोई शख्स अपनी खिदमात इस शहर के लिए पावरलूम सनत और बिजली के मसले पर कोई देता था तो वो अब्दुल जलील अंसारी साहब की शख्सियत थी। ये पहलू कोई मामूली पहलू नहीं है। ये बात मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि जलील भाई की जो शख्सियत है, मुननी सा एक आदमी, दुबला पतला, अपने अंदर कितनी ताकत रखता। मैंने देखा है, अब इनके मुंह पर इनकी तारीफ करना मुनासिब नहीं है, लेकिन अब चूंकि इनके एजाज में यह जलसा हो रहा है इसलिए मुझे बयान करने में कोई तकल्लुफ नहीं। मुकम्मल रास्त गो, मैंने कभी जलील भाई के मुंह से झूठ बात नहीं सुनी। मेरा कमोबेश, जलील भाई तस्दीक करेंगे इस बात की, कि 40 बरस तो हो गए, 40 बरस
कभी मैंने जलील भाई को झूठ बोलते नहीं दिया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के साथ फरेब नहीं किया। हमेशा अपने मामलात साफ रखे, खास तौर पर जहां माली मामलात होते हैं। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को हिलते हुए देखा है, लेकिन जलील भाई की शख्सियत ऐसी है। विनोद मालदे साहब का बहुत करीबी ताल्लुक है उनका, वो इस बात की गवाही देंगे। ये खूबी कोई मामूली खूबी नहीं है, इसका हमको एतराफ करना चाहिए। और एक शरीफुन नफ्स इंसान, एक रास्त गो इंसान, एक दयानतदार इंसान, सच बोलने वाला इंसान, ऐसे इंसान के लिए अगर हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो उससे हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है, इस शहर की इज्जत में इजाफा हुआ है, जलील भाई की इज्जत में इजाफा हुआ। दूसरा जो पहलू है, यहां दो साहिबान का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक खालिद अब्दुल कय्यूम, कहां है भाई? हाँ, ये खड़ा है। एक ये बच्चा और दूसरा कुतुबुद्दीन शाहिद। जब वो वतन से आए तो उनकी तालीम भी नामुकम्मल थी, उनको अपने साथ लेकर रफी अंसारी साहब और मरहूम रेहान अंसारी, इन लोगों ने सुबह शाम का इजरा किया हफ्त रोजा। और सहाफती दुनिया में मेरा ऐसा ख्याल है, मैं हो सकता है कि मैं तस्दीक करूंगा जलील भाई से, कि 10 बरस तक, 10 साल, 20 साल, 20 बरस इस शहर को एक ऐसा उर्दू का हफ्त रोजा अखबार मैसर कराया इन चार अफराद ने, जिसमें रफी अंसारी साहब की बड़ी खिदमात थी, मरहूम रेहान अंसारी की, जलील भाई तो उसके सरपरस्त थे, सब कुछ थे। और अखबारी दुनिया में जो लोग वाबिस्ता हैं या वाबिस्ता रहे हैं, उर्दू अखबार निकालना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, आसान काम नहीं है। सहाफत का पेशा बहुत मुश्किल पेशा है, और वो भी उर्दू सहाफत। लेकिन कामयाबी के साथ और 20 बरस के तवील अरसे में किसी ने भी अगर कोई शिकायत सुनी हो, माली शिकायत, तो मुझे बताए। ईमानदारी के साथ एक उर्दू का हफ्त रोजा अखबार निकालना, वो भी इतने तवील अरसे तक, ये अपने में खुद बहुत बड़ा कारनामा है। और मैं चाहता हूं कि इस कारनामे पर आप लोग जरूर जलील भाई की सताइश करें। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया अपनी सहाफती जिंदगी में, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया किसी भी सियासतदान हो, कितना भी बड़ा आदमी हो। मैं उस बात का गवाह हूं, जो बात सच होती थी वो हमेशा उनके अखबार की जीनत बनी। बहरहाल मैं तो चाहता था कि ये अखबार जारी और सारी रहे। मैंने हमेशा, जब भी मैं मिला उनसे, मैंने इस बात का तस्करा किया कि जलील भाई इसको आप जारी रखें। लेकिन उन्होंने रेहान अंसारी के इंतकाल के बाद मौजरत चाह ली, मुझसे कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, रेहान के जाने के बाद अब मैं अखबार नहीं जारी रख सकता। एक और बहुत पुराना पहलू मैं लेके चलता हूं, मैं आपको बताता हूं। 1962
एसके पाटिल का जमाना था, कांग्रेस के बड़े आदमी थे वो, मदनपुरे में और बंबई में कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा गलगला था। उसको कमजोर करने के लिए बाला साहब ठाकरे को कांग्रेस ने खड़ा किया। उस वक्त भिवंडी में भी कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा जोर था। मरहूम इब्राहिम मधु साहब, और अगर मैं गलत नहीं हूं जलील भाई, तो गुलाम मोहम्मद मोमिन मरहूम साहब, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक थे, जिनके नाम पर ये कॉलेज है गुलाम मोहम्मद मोमिन साहब। वो सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी में काम करते थे, और इब्राहिम मधु एक बड़ा नाम था कम्युनिस्ट पार्टी का। उस जमाने में मैं बहुत छोटा था, लेकिन ये मार्केट जो है हमारे यहाँ भुसार मोहल्ले में मार्केट, वहाँ जलसे हुआ करते थे, और अब्दुल गफ्फार कामरेड की तकरीर बहुत अच्छे मुकर्रर थे वो, गफ्फार कामरेड, वो जो बंबई से आते थे, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, जब्बार कामरेड साहब, बहुत उम्दा मुकर्रर, क्या कहने उनके तकरीर के, उनका बस पूरा मजमा उनको सुनता रहता था। और इब्राहिम मधु साहब, वो जमाना था जब कम्युनिस्ट पार्टी का यहां बहुत जोर था। और बात की नस्ल में, दो नाम जो कम्युनिस्ट पार्टी की शनाख्त बने इस शहर में, और जिनके नाम के साथ आज भी कामरेड लिखा जाता है, वो हमारे कामरेड असरार हैं और कामरेड जलील अंसारी साहब। मैं आज कम्युनिस्ट पार्टी की के सिलसिले में कोई राजनी आज नहीं करना चाहूँगा कि आज क्या है, लेकिन इन लोगों ने इतने लंबे अरसे तक एक सियासी पार्टी के साथ अपना नाता जोड़े रखा, और आज भी वो उसी पार्टी से मुंसलिक हैं, जबकि हम आज देख रहे हैं आया राम और गया राम, वो उस पार्टी का वो चला गया अगर इख्तदार तो वो उसमें चले गए। लेकिन इन दो साहिबान जिनका मैंने अभी तस्करा किया, इन लोगों ने कभी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं छोड़ा। आज भी दोनों के नाम, असरार के साथ भी और जलील भाई के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लगा हुआ है। उनकी शनाख्त ये, जब तक आप कामरेड असरार नहीं कहेंगे लोग पहचानेंगे नहीं, और जब तक आप कामरेड जलील अंसारी नहीं कहेंगे लोग नहीं पहचानेंगे। ये बड़ी बात है। अपने उसूलों पर कायम रहना और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, आज के माहौल में अगर जिंदा रहने की अगर मिसाल दी जानी चाहिए तो वह हम बड़े। और एक बात और, मैंने उसकी तस्दीक की, कैसर, मैंने जलील भाई को पूछा आपकी बेटियां कितनी है, उन्होंने कहा 3। मैं एक दामाद को तो जानता हूं, ये उनके एक दामाद है वो जो स्टेज पर अभी आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो मुफ्ती साहब उसकी तसी फरमाएंगे कि जो बाप अपनी 3 बेटियों को पाल पोस कर उनकी शादी अच्छे ढंग से करे वो जन्नती। सही है मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब ने तस्दीक कर दी। तो हम आज एक जन्नती को देख रहे हैं। जलील अंसारी की शक्ल में हम एक जन्नती को देख रहे हैं। इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, इसलिए कि मेरे ख्याल से काफी मैंने इफ्तिताही कलमात में काफी वक्त लिया। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास तौर पर बज़्म याराने अदब का अगर मैं तस्करा ना करूं तो ये बड़ी ज्यादती हुई। जो मुंतजमीन हैं आज बज़्म याराने अदब के, वो सब मुबारकबाद के मुस्ताक हैं।
और पूरा शहर आज इस बात की गवाही देगा कि एक अच्छे रासगो इंसान की हमने पजीराई की और उनके एजाज़ में ये फंक्शन मुनक्किद किया। अल्लाह हाफिज़।